नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आईटेल का 5608 मॉडल आया हुआ है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड्स, एयरफोन लोगो लगा हुआ है, इसका प्रॉब्लम है। इसको हम फंक्शन से भी हटाने का कोशिश किए लेकिन ये हट नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ठीक होगा, और इस वीडियो में फ्रेंड्स एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से फ्रेंड्स आपका आईटेल का कोई भी फ़ोन हो, बड़े ही आसानी से आप इसे रिपेयर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको इसका प्रॉब्लम हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें एयरफोन लोगो लगा हुआ है, नज़दीक से दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो इसे किस प्रकार से हटाना है, यहाँ देख लीजिए, कोई भी एयरफोन भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर मेरा एयरफोन लोगो लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको फ़ोन को खोल लेते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं कि इसमें एयरफोन लोगो जो लगा हुआ है, उसको किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम अपना सेट ऑन कर रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एयरफोन लोगो लगा हुआ है। तो इसको किस प्रकार से रिपेयर करते हैं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है आपको फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बोर्ड को फुल्ली वॉश करना है। तो मेरा जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आईटेल का 5608 मॉडल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बाहर कोई आईसी वगैरह लगा हुआ नहीं है, सारा कुछ इस डब्बी के अंदर है। तो इसको बाहर भी क्लीन करना है, और सबसे पहला काम आपको करना है इस ढक्कन को जो है ना, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो ढक्कन को निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका स्टिकर हम यहां से निकाल लेंगे। ज़्यादातर फ्रेंड्स वाटर डैमेज होने के कारण जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाता है, और उसके बाद भी अगर क्लीन करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो अगला स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इस ढक्कनी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो निकालने से पहले थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट लगा लेते हैं चारों साइड, इस तरीका से आपको पेस्ट लगा लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको हॉट गन की मदद से इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस एरिया में थोड़ा सा वाटर डैमेज लग रहा है। तो हम इस पूरे एरिया को हम यहाँ पर से क्लीन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हॉट गन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बोरा भी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इसको क्लीन करेंगे और हॉट गन से इसको थोड़ा थोड़ा हीट करके उसके बाद चेक करके देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्रेंड्स इसके बाद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस जैक को हम रिप्लेस करके भी देखेंगे। और उससे पहले फ्रेंड्स एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आपको,
कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का प्लस वाला पॉइंट से एक जम्पर लेंगे और इसका हेडफोन जैक का जो जितना पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है उसमें बारी बारी से हम टच करके देखेंगे, सिर्फ ग्राउंड को छोड़ करके। पहले हम पता कर लेंगे कि ग्राउंड मेरा कौन सा है, ग्राउंड में टच नहीं करना है, क्योंकि ग्राउंड में आप टच कीजिएगा तो प्लस और माइनस दोनों शॉर्ट करेगा और हो सकता है आपका फ़ोन डेड हो जाए। तो इस तरह से नहीं करना है, जिसमें आपको ग्राउंड को छोड़ करके बाद बाकी में आप जम्पर दे दे करके अपना बारी बारी से चेक कर सकते हैं कि किस में छूट रहा है आपका एयरफोन लोगो। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा बोर्ड ठंडा हो चुका है तो इसको हम यहाँ से पहले क्लीन करेंगे, अच्छी तरीका से क्लीन करना है फ्रेंड। ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको क्लीन करने से ही काम बन जाता है, अगर काम नहीं बनता है तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आगे देने वाला हूँ। एक बार और कर लेते हैं क्लीन थोड़ा सा। देखिए मेरा बोर्ड अब क्लीन हो चुका है और थोड़ा सा हम इसको हीट दे देते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वाटर डैमेज होने के कारण जो है कोई कोई कंपोनेंट शॉर्ट करने लगता है, तो इसकी वजह से ये आ जाता है। ज़्यादा हीट नहीं देना है, बस हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अभी गर्म है फ्रेंड्स। चलिए इसी तरीका से हम आपको सॉरी फ्रेंड्स, अभी बोर्ड थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं उसके बाद चेक करके आपको दिखाते हैं। शायद ये ठंडा हो चुका है, चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा साउंड आ चुका है, इसका मतलब मेरा हेडफोन लोगो निकल गया होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा एयरफोन लोगो गायब हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक स्टेप ट्राई करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसी तरह का देसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।